बीच में दिल्ली शालीमार सेंटर से ब्रिज भूषण भाई जी आए हैं हमारे बीच में, हम सबको भर्ती कराने। हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भाई साहब का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जब मैं नाम देख रही थी तो मुझे भूषण शब्द पे मेरा टिक गया। बाबा हमको बोलते हैं ना ब्राह्मण कुल भूषण, तो भाई के तो नाम में भी भूषण है तो डबल भूषण हो गए। भाई बहुत निर्माण और महान, कैसे पता चला कल जब बात हुई? आपका कुछ परिचय देना है क्लास में, आप बताएंगे क्या बोलने का है? तो बोलते अरे बहन कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। तो मिले भी नहीं, अभी सिर्फ बात ही हुई थी फोन पर और पता चला इतने निर्माण और महान है। तो निर्माणता तो जरूरी है ना, बाबा हमें कहता है। अच्छा तो भाई जी का लौकिक और अलौकिक परिचय मैं देना चाहती हूँ। भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में कार्यरत थे, अभी रिटायर्ड है, वहां पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कार्य करते थे। योगा पिछले 35 सालों से करते हैं, योगा और योग भी करते हैं। राजयोग का मेडिटेशन पिछले 34 सालों से कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं और 35 सालों से योगा कर रहे हैं। दिख तो रहा ही है ना योगा करते एकदम फिट। तो ऐसे हमारे भाई हैं, संकल्पों की शक्ति के ऊपर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और इसलिए आज की हमारी भर्ती का टॉपिक भी हमने यही रखा है, संकल्पों की शक्ति की, उसके ऊपर जो हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं उससे होने वाली प्राप्तियां। तो अब मैं मंच भाई को सौंपती हूँ, वो हमें आज की भर्ती की क्लास कराएंगे। ओम शांति, थैंक ओम शांति। बाबा मिला हम सबको, हमारे भाग्य के द्वार खुल गए। बाबा मिला तो सारे जहां की खुशियां मिल गई। बाबा मिला तो जन्म जन्म के बोझ हल्के हो गए। सब कुछ हुआ या नहीं हुआ हमारे साथ? ये हुआ ना? हुआ हमारे साथ। हमारा बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना? ये 34 वर्ष पहले बाबा मिले मुझे, बचपन से बहुत बहुत छोटा सा था, खूब मंदिर जाता था, भक्ति करता था। बड़ा हुआ तो जैन साधु साध्वियों के साथ, जैन परिवार से थे तो जैन साधु साध्वी के साथ खूब मिलता था, पूछता था भगवान कहाँ रहता है। ऋषिकेश हरिद्वार चला जाता था, ढूंढता था कहीं तो मिलेगा मंदिर। सोमवार को शिव के मंदिर, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर, संडे को बाइबल पढ़ने जाता था, गुरुद्वारे चला जाता था, ग्रेवयार्ड में भी चला जाता था कि शायद वहां मिल जाएगा। लगन थी और आखिर तो हमारी जब भक्ति पूरी होती है बाबा तब मिलते हैं। बाबा मिले और सबसे बड़ी मुझे खुशी इसी बात की हुई कि वो बाबा जो है, भगवान जो है, वो बिंदु है। कितना बड़ा भगवान हमने माना था और वो कौन है? छोटा सा, छोटा सा बिंदु है। फिर और ज्यादा खुशी हुई कि मैं भी बिंदु हूँ। इनका ये तो बहुत आनंद की बात है, इतना विशाल संसार और दो बिंदु चला रहे हैं। मैंने कोर्स किया और खूब सारी इंग्लिश हिंदी की 250-300 जो भी किताबें थी जगदीश भाई की लिखी हुई सब पढ़ी। 25 साल पुरानी ज्ञानमृत पढ़ी थी, जो पुराने आर्टिकल्स थे उसको पढ़ा, बात समझ आ गई। अब आगे का रास्ता मुझे क्या करना है वो मैंने विचार किया और मन में ठान लिया
कि जैसे ये बहनें टीचर बहनें समर्पित हैं ना, मुझे वैसे ही समर्पित होना है। लेकिन हम जानते हैं कि हम परिवार में हैं और परिवार में बाबा कहते हैं आप परिवार संभालो। मैंने बाबा को कह दिया कि बाबा देखो, आप मेरी फाइल तो टीचर बहनों जैसे नहीं बनाओगे, लेकिन आप मुझे मन से समर्पित होने से मना नहीं कर सकते। मन से तो मैं समर्पित तो टीचर बहनों जैसे ही हो जाऊंगा। बाबा ने शायद स्वीकार कर लिया होगा। तो 96 से हमारा बहुत अच्छा 60 साल का इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ। जगदीश भाई ने हमें, जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, उन्होंने शायद 2001-2 के आसपास शरीर छोड़ा था, तो लिटरेचर स्टॉल की सेवाएं दे दी। मैं उस समय लोक विहार दिल्ली सेंटर पे होता था, सेवाएं दी और हमने लिटरेचर स्टॉल लगाया और एक ही दिन के अंदर 38,000 की किताबें सेल कर दी। उस समय 1 रुपये 1.5 रुपये की किताब होती थी शायद, और सबसे ज़्यादा सेल करी हमने वो जो ब्रह्मचर्य की थी। वैराग्य बहुत आ गया क्योंकि जैन परिवार से था, जैन साधु। शायद मैं तो ऐसा कहता हूँ, मुझे बाबा ना मिला होता तो मैं जैन साधु बन गया होता। सन 2000 में 96 से खूब सा वैराग्य आया। मैंने बड़ी दादी जी से छुट्टी ली, सूर्य भाई से भी ली, और मैंने सन 2000 में वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। जब जॉब छोड़ी मैंने तो मेरी छोटी बिटिया जो है वो 11 साल की थी, पर मुझे बहुत निश्चय था, 45 की मेरी एज थी। 35 में बाबा मिला, 45 में जॉब छोड़ी, आज मेरी 69 एज है। 24 साल हो गए मुझे जॉब छोड़े हुए, पर मुझे बहुत निश्चय था, बहुत फक्र था कि मुझे बाबा मिला है। क्योंकि जानते हो, दुनिया में भी ऑफिस में भी लोग डराते हैं कि 45 साल की उम्र में जॉब छोड़ रहे हो, परिवार में कोई बीमार होगा, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छा सुख था, पैसे थे, बहुत अच्छा ऑफिस था। मैंने कहा बाबा संभालेगा ना, मैं बाबा की सेवा करूँगा तो बाबा संभालेगा, और नहीं संभालेगा तो बाबा जाने। लेकिन मुझे तो बीमार नहीं होना है, मैंने नहीं बीमार होना, ये मेरा पक्का निश्चय। आप सच मानिए, आज मुझे 24 साल तो जॉब छोड़े हो गए, मुझे आज तक ना कोई बीमारी हुई, ना कोई दवाई है मेरे पास। मेरा ब्लड प्रेशर बच्चों जैसा है, शुगर लेवल बच्चों जैसा है, और घर में किसी को कोई बीमारी मुझे ही नहीं हुई, बल्कि घर में किसी को नहीं हुई। बाबा इतनी रक्षा करता है। अब जिम्मेवारी तो पूरी निभानी थी, वो हमने निभाई। 3 बेटियां हैं, तीनों को पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छी जॉब सबको मिली, क्योंकि मुझे कर्म फिलॉसफी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि जो इनका धन बाबा की सेवा में मैं लगाऊंगा, वो धन बाबा इनको आप पे ही देगा, क्योंकि इन्हीं का हिस्सा है, हम परिवारों में रहते हैं। और मैं खूब सारी ये सब काम करता था, खुले दिल से करता था, इतना निश्चय था। तो आज मुझे बहुत खुशी है, बाबा ने मुझे तो मुक्त कर दिया, बंधन मुक्त बना दिया, संपूर्ण मुक्त बना दिया, ऐसा कहता हूँ मैं तो, क्योंकि मैं अब आजकल 10 दिन बॉम्बे रहता हूँ, यहाँ सेवा करता हूँ, और 20 दिन दिल्ली चला जाता हूँ, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट 400-500 सेंटर्स हैं, बहनें बुलाती हैं, वहाँ सेवा करता हूँ, और कहीं बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में होता है तो आशा बहन जी भाई साहब बुला लेते हैं, तो वहाँ पर भी मुझे खूब सी सेवाएं हमने की। और पिछले लगभग 10 सालों से, 11 सालों से हर मास योग के प्रोग्राम किए।
और योग के प्रोग्राम में जो 5,000 का भोजन हो, या एक बार हमें उन्होंने कहा कि 11,000 का भोजन है, तो 11,000 के भोजन की जिम्मेदारी वो मुझे दे देते थे। बनवाना, सर्व करवाना, सब कुछ अरेंजमेंट जैन भाई करेंगे। मैं कहता था हाँ जी। टीम थी पूरी हमारी, हम 100 भाई बहनों को, 200 को भी लगा लेते थे, सब सेंटर से बुला लेते थे, सेवा करते थे। बाबा ने बहुत ताकत दी हुई थी मुझे। 5 बातें सदा याद रहती हैं, निश्चय, नशा, हिम्मत, दृढ़ता, उमंग, उत्साह। जीवन जीना है तो उमंग उत्साह से जीना है, खुशी से जीना है। दाल रोटी भी खानी है तो खुशी से खानी है, उमंग से खानी है, चाहे अचार से खाओ, खुशी से खानी है। खुशी से खाएंगे तो वो रोटी काम करेगी, और दुखी होके तो शाही पनीर भी खाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो जब बहुत योग करता था मैं, रात को 12 बजे तक योग करता था, 12:30 तक सो जाता था, फिर 4 बजे उठता था। कभी कभी थका होता था तो 10 बजे सो जाता था, तो 2:30 2 बजे उठ जाता था, 4-5 घंटे सोता था। ताकत थी उसमें, यूज़ किया मैंने उस एनर्जी का। तो मुझे एक साइंटिस्ट आए, कुछ लोग बेंगलोर से डॉक्टर्स थे, वो साइंटिस्ट होते, वो हमारे मेडिटेशन की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वहाँ मुझे भेज दिया। MRI कराया मेरा, 2-3 बार करा दिया। आशा बहन जी कहते आप जाओ, जैन भाई आप योग करते हो ना बहुत, आप जाओ। वो मशीन में डाल देते हैं, गोल सी मशीन होती है, उसमें ऊपर ये तो थोड़ी कम, वो सिर पे बिल्कुल आँखों पे लाइट पड़ती है, बहुत तेज़, और बहुत तेज़ आवाज़ होती है, झूं झुक झुक झूं, बहुत तेज़ आवाज़ करता है वो। पेशेंट्स के लिए करते हैं, लेकिन वो मुझे भेज देते थे। मुझे बैठ कर, चलते फिरते, लेट कर, चलते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, सोते जागते, खूब योग करने की आदत बन गई थी। तो लेट के वो ब्लैंकेट डाल देते थे, ऐसा AC चल रहा होता था मशीन के अंदर ही, मैं योग करता था। तो 2-3 बार उन्होंने बुलाया, ऑफिस से जाता था। तो जब एक बार उन्होंने अपने कंप्यूटर रूम, मुझे तो छोड़ के चले जाते थे वो मशीन में, किसी किसी को तो डर लगता था, वो सबका करते थे, मेरा ही नहीं, साधु सन्यासियों का, बहनों का, भाइयों का, जिसको भी वो सबको बुलाते थे। तो जब मेरा किया और मुझे ले गए कंप्यूटर रूम में, कहते जैन भाई इधर दिखाओ, आओ आपको हम ब्रेन की, आपके वो बिफोर मेडिटेशन, ड्यूरिंग मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन ब्रेन के पिक्चर्स लेते थे मेरी, कि उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं और फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो मुझे पिक्चर दिखाई ऐसे उन्होंने, मेरे को तो नॉलेज नहीं है मेडिकल साइंस की, लेकिन उन्होंने मुझे दिखाया। कहते ब्रेन के मेनली समझो 4 हिस्से होते हैं, तो 3 हिस्से आपके बिल्कुल जैसे स्विच ऑफ थे, और एक हिस्सा बहुत बहुत ब्राइट, ऐसे लाइट चमक रही थी उसमें, और उसके बीच में एक बिंदी चमक रही थी। मैं समझ गया, मैं बिंदु रूप का अभ्यास बहुत करता था, उसमें मैंने किया था। मुझे समझ आ गया कि जो हम सोचते हैं वो हमारे ब्रेन में छपता है, जो ब्रेन में छपा वो इन्होंने कंप्यूटर में कैच कर लिया। मैंने कहा मेरा, मैं जहाँ पहुँचा हूँ, जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने अपना रास्ता शुरू किया, खूब योग किया, खूब मेहनत की। मैं योगासन प्राणायाम करता था, मैं सैर को साधारण भी नहीं मानता, मैं कहता हूँ ऐसे ही है, टाइम पास करने वाली बात है। पिछले 20-25 साल से शायद सैर मैंने कभी की नहीं, मुझे समय नहीं मिला। मैं 9:30 तो सेंटर से ही सेवा पूरी करके जाता था, क्लास करा के। तो योगासन करता था, तो मुझे लगता भी योगासन जो है, क्योंकि 50-60 आसन में उस समय करता था रोज। मेरे ऐसे हार्ट के जो ड्रॉप्स हैं, वो सर्दियों में रजाई में सोता था तो मेरे हार्ट के ड्रॉप्स जो ब्लड के टप 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 मुझे सुनते थे, इतनी नीट एंड क्लीन बॉडी मेरी उस समय हो चुकी थी। तो यहाँ मुझे समझ आया कि अभ्यास करेंगे, बाबा को साधारण रूप से याद नहीं, अभ्यास करेंगे तो बात बनेगी, क्योंकि जन्म जन्म का बोझा आत्मा के सिर पे चढ़ा हुआ है। ये बाबा सुनाते हैं बार बार, मुरली में कई बार सुनाते हैं। मेरी वो बात मुझे टच कर गई थी,
खूब अच्छे से अभ्यास किए और मुझे समझ आया कि जो हम सोचते हैं वो ही इस जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है। हम सबको पहला लेसन कराते हैं मन का, मन में संकल्प चलते हैं। मैंने पिछली 69 से 1990 तक की उस समय सारी मुरली पढ़ी थी और उसमें से अब मैंने सारे सोमान निकाले, एक एक सोमान निकाला। सोमान वो निकाले मैंने जो हमारे जीवन की ज़रूरत है। हमारे जीवन में ज़्यादातर क्या चाहिए हमें? शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, अच्छी सेहत, सुख साधन, संपत्ति, धन संपत्ति और अच्छे रिश्ते, बस यही चाहिए ना। सब कुछ इसमें सब कुछ आ जाता है, दुकान मकान पढ़ाई सब कुछ आ गया ना। मुझे ये बात समझ आ गई और मैंने उस सोमानों में ये सब बातें बाबा की मुरली से निकाली और उस सोमानों की मैंने एक बहुत सुंदर सी, पहले 7, फिर 12, फिर 15, फिर 17, फिर 19, 21 और 25 की संपूर्ण माला बना दी। थोड़ी सी माला आपके लिए लाया हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए, मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ, मैं पूजनीय आत्मा हूँ, मैं खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, मैं मास्टर आनंद का सागर हूँ, मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर पालनहार हूँ, मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। 25 हो गए। इसको इसी सीक्वेंस में याद कर लिया। हम सबको सुनाते हैं ना, मन संकल्प लेता है, बुद्धि विचार करती है, फिर कर्म करते हैं, फिर संस्कार बन जाते हैं हमारे। तो इस सीक्वेंस में जब याद किया तो मन संकल्प लेता है और बुद्धि सोचती है, दूसरा कौन सा है? तो तीसरा जो व्यर्थ संकल्प है वो मन में नहीं आता, आता ही नहीं। तो 25 की माला मैंने मिनिमम शुरू करके इसको रोज 100 माला फिरानी शुरू की। 100 माना 2500 सोमान, 2500 सोमान फिराए तो इसकी स्पीड है स्लो, जैसे मैंने आपको सुनाया तो डेढ़ मिनट लगा उसमें। तो इसकी स्पीड स्लो, एक मिनट में एक व्यक्ति 30 थॉट्स लेता है, 30 संकल्प चलते हैं नॉर्मली। एक दिन में 30,000, एक घंटे में 1800 नॉर्मल। और आजकल जिनको टेंशन है वो 40,000-50,000 एक दिन में, और एक घंटे में 2,500-3,000। एक मिनट में 30 के उनके 40-45-50 तक हो जाते हैं। फिर ब्लड प्रेशर शूट करता है, फिर शुगर लेवल शूट करता है। ये सारी कहानी कहाँ किस पर टिकी हुई है इस दुनिया की? थॉट्स पे, संकल्पों पे, सोच पे। मैंने इसको माला में पिरोया, इसकी स्पीड आधी हो गई। डेढ़ मिनट में हुए तो डेढ़ मिनट में नॉर्मल होने चाहिए 45, आम आदमी के होते ही हैं, कोई आप मानो या ना मानो, मैं तो प्रूव करके भी बताता हूँ होते हैं। और 45 के ये रहेगा कितने? 25, आधे, ऑलमोस्ट आधे हो गए। मैंने माला फिराई और ज़्यादा काम कर दिया कोविड के पीरियड में, 100, कभी 200, कभी 300 और कभी कभी मैं 400 पे ले गया। कोविड के दिनों में सेवाएं नहीं थी, मैं आके एकांत में रहता था उस समय 24वीं मंजिल पे, और एकांत में रहता था और कोई सेवा नहीं थी, कोई फ़ोन नहीं आता था। मैंने इसको बढ़ाते बढ़ाते संपूर्ण व्यर्थ संकल्पों पे कंट्रोल कर लिया। जो काम करना है वो करना है, जो नहीं है उसको नहीं सोचना है, जो चाहिए उसे सोचना है, जो नहीं चाहिए उसे नहीं सोचना है। ये बात मेरी बुद्धि में पक्की बैठ गई। और सोमानों की माला का इसका डीप इफेक्ट क्या हुआ ब्रेन के ऊपर? जैसे हम पावरफुल प्योर शक्तिशाली संकल्प लेते हैं, ब्रेन में उच्च कोटि की तरंगें फैलती हैं,
उच्च कोटि की जो तरंगे फैलती हैं वो तरंगे, क्योंकि आत्मा ब्रेन मस्तिष्क और बॉडी जुड़े हुए हैं, वही सीक्रेशंस हमारी बॉडी में पॉजिटिव सीक्रेशंस डिस्चार्ज होने लगते हैं और वो बॉडी में हमारे हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर सब चीज़ों को ठीक करते हैं। ये मेरी बिना मेडिकल साइंस के मुझे बात समझ आ गई, मैंने इस पे काम किया और लगभग उसको बहुत सारे सेवा केंद्रों पर, ऐसे मैं तो गांव में भी जाता हूँ, बड़े बड़े सेंटर्स, छोटे सब मैं छोटा बड़ा कुछ समझता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ सब बाबा के बच्चे हैं और सब बाबा के बच्चे हर सेंटर पे बहुत अच्छे महान योगी बन जाए, महान योगी बन जाए तो उस सेवा केंद्र वो विघन मुक्त हो जाएगा, होगा या नहीं? हो जाएगा, क्योंकि महान योगी तो कोई समस्या रखते ही नहीं है, ना रखते हैं, ना देते हैं, ना लेते हैं। मैंने उस पर मेहनत की, कुछ और अच्छे अभ्यास किए, 2-3 मिनट अभ्यास कर लेते हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं, ठीक है? संकल्प करेंगे सभी साथ साथ मेरे मन में करना, मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ, निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ, निराकारी दुनिया से आई हूँ, निराकारी दुनिया में अब मुझे वापस जाना है। याद कर लेंगे पांचों संकल्पों को तो निराकारी अवस्था, दिन में कई बार करेंगे तो बहुत अच्छी निराकारी, निराकारी अवस्था बहुत ऊंची स्थिति है। मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार बाबा की संतान हूँ, बुद्धि में निराकार बाबा आ जाए, निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ, अशरीरीपन के अभ्यास अंत में बहुत काम आएंगे, बाबा ने कहा है, निराकारी दुनिया से आई हूँ, अवतरित आत्मा हूँ, इस बॉडी में आई हूँ, मैं बॉडी अलग है, ये देह अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, आप मुझे वापिस निराकारी दुनिया में जाना है। मैं दिन में 100 बार ये भी सोचता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मेरे साथ हैं, इसको दिन में मैं 100 बार करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, 300 थॉट्स हो जाएंगे, तुरंत जो थॉट होता है उसकी शक्ति तुरंत काम करती है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां मेरे साथ, तुरंत बाबा की शक्तियों का प्रवाह निरंतर ऊपर आपके ऊपर प्रवाहित होने लग जाएंगे। जो सोचते हैं वही होता है, जो सोचते हैं वो बाबा के पास पहुंचता है, ये ऐसा सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर बाबा के पास, आत्माएं नीचे, आत्माएं जो सोचती हैं बाबा के पास, पूरे ब्रह्मांड में फैलता है, सृष्टि में फैलता है, वहां से होकर फिर वापस किसके पास आता है, जिसने सोचा था। दुख की बात सोचेंगे तो दुख आएगा, सुख की बात सोचेंगे तो सुख आएगा, शांति की बात सोचेंगे तो शांति आएगी, प्रेम की बात सोचेंगे तो प्रेम आएगा, लेकिन सारे दिन में 30,000 थॉट्स में सबसे ज्यादा बात के कौन सी सोची जाती है? इस संसार का वायुमंडल नेगेटिव है, भय से भरा हुआ है, हलचल है इस दुनिया में, साइंस की दुनिया है ये, तो जहां हमारी बुद्धि जाती है वहां से नेगेटिव एनर्जी को खींच कर ले आती है। फोन आया अमेरिका से आपको, कोई बुरी बात सुनी, वहां से मैसेज आया, वहां बुद्धि चली गई, वहां की एनर्जी आपके पास आ जाएगी,
बचाव करना है। कैसे बचाव होगा? जब मेरा अपना सिस्टम प्योरीफाई होता रहेगा, शक्तिशाली बनेगा। जब मैं सोमानों की माला जा ऐसे अंदर सिमरन करता हूँ, मैं चलते फिरते सोचता रहता हूँ मैं मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ, फिर मैं इन सोमानों की माला को मैंने अंतर्मन और बाह्य मन और अंतर्मन है चेतन मन और अवचेतन मन कॉन्शियस माइंड और सब कुछ मैंने उस पर बहुत काम कर लिया। मैं अपने थॉट्स को पूरी तरह से नियंत्रित करके मैं क्या करता हूँ रात को सोने के समय, मैं तो प्रैक्टिकल टेस्टेड फॉर्मूले हैं जो भी मैं क्या सुनाता हूँ, जो भी मैं ज़िंदगी में जो मैंने किया है जो अनुभव किया है जो प्राप्त किया है वो सबसे शेयर करता हूँ। रात को सोने से पहले मैं लगभग 10 बार माला को फिरा लेता हूँ, 250 थॉट्स जो रात को 250 थॉट्स में सोचता हूँ वो मेरे अंतर्मन में चले जाते हैं। रात के समय शाम ये जो सोने का समय होता है ना उसमें कॉन्शियस माइंड जो है वो शांत हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। तो उस समय पर जो आप सोचेंगे, इसलिए रात को कभी भी सोने के समय दिन की कोई कोई बुरी बातों को सोचकर नहीं सोना है, याद भी नहीं करना है। तो जो अच्छी अच्छी बातें सोच ली, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य, कई कई ऐसे मुझे कहते हैं कि भी ऐसे रटने से जैन भाई क्या होगा, आप में से भी कोई सोच रहे होंगे। मैं कहता हूँ जो छोटा बच्चा होता है ना उसको कोई नॉलेज नहीं होती है, उसको माँ दूध पिला देती है तो वो 6 महीने साल 1.5 साल में बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता? उसको पता है कि उसमें दूध में कैल्शियम है और या एनर्जी है, उसको पता होता है? नहीं पता होता। आपको अभी एक एप्पल खिला दिया जाए आपको आयरन मिलेगा उसका, संतरा खिला दिया जाए विटामिन सी मिलेगा? अगर आप सबको एप्पल खिला दें अभी तो आपको उसकी एनर्जी मिलेगी या नहीं, चाहे नॉलेज है या नहीं है, मिलेगी ना? ठीक ये बात है। जैसे ये मस्तिष्क हमारा ब्रेन जो है एक बगीचा है, जैसे समझो गार्डन है, इसके अंदर कुछ नहीं बोएंगे, कोई खेत है जैसे उसमें कुछ नहीं बो 6 महीने तो क्या हो जाएगा, उसमें घास फूस जंगल बन जाएगा, कांटे उगेंगे, ये भी ऐसा ही है। इसमें कुछ नहीं बोएंगे तो क्या होगा, उसकी न्यूज़ उसकी न्यूज़ उसकी न्यूज़ उसका फ़ोन उसकी, ये सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि सबके पास आजकल क्या है, दुख दर्द है, बीमारी की बात सुनेंगे 2-3 बार फ़ोन आएगा और कभी आपको भी कुछ हो गया, मेरे घुटनों में दर्द है घुटनों में दर्द है, 10-5-7 फोन आए और सबको बता दिया आपने मेरे घुटनों में दर्द है घुटनों में, उनके भी दर्द हो जाएगा। कोविड में यही तो हुआ कि जिसने सोचा मुझे भी हो जाएगा मुझे, उसको हो गया, जिसने सोचा मुझे नहीं होगा। मैं 300-400 बार कपाल भाती रोज आज भी करता हूँ, कोविड के दिनों में 1000 बार करता था रोज। मैंने कहा ये कैसे अंदर रहेगा, इसको बाहर फेंकना है ना हमें। तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे मुझे मिले, जो कपाल भाती अच्छी करते हैं उनके ब्रेन में कभी क्लॉट नहीं बनेगा, उनके ब्रेन में क्या बॉडी में ही ब्लॉकेज नहीं होगी। अलोम विलोम रोज करेंगे तो लेफ्ट से लेंगे ऐसे, ये एक राउंड हो गया, लेफ्ट से लेंगे राइट से भरेंगे, राइट से भरेंगे तो लेफ्ट से छोड़ेंगे, तो लेफ्ट से भरेंगे राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, राइट से भरेंगे लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी, गुणों की शक्ति भी बढ़ जाएगी और व्यर्थ आना बंद हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारे हम योगासन प्राणायाम करते हैं, वो भाई कभी अलग सेशन लेता होता हूँ मैं अच्छे से। तो हम बात क्या कर रहे थे, थॉट पावर की, संकल्प शक्ति की। जो हम सोचेंगे वो बीज बो रहे हैं और बीज हम क्या कर रहे हैं, पल पल बो रहे हैं, सोच रहे हैं ना, मैं बोलने जा रहा हूँ आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं।
अभी 5:30 बजे सुबह मान लिया, कोई 5 बजे उठाओ, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में कितने थॉट्स चले अंदाजा? 24,000। आप बता सकते हैं क्या क्या चले थे? नहीं पता है, नहीं पता है ना भाई, कितने पॉकेट में कागज पड़े हैं आपको पता है? नहीं। लेकिन इसमें कितने नोट पड़े हैं वो तो पता है ना? पता है या नहीं? हाँ पता है। अच्छी चीज याद रहती है, बुरी व्यर्थ नेगेटिव ये सब चीजें लोप हो जाती हैं। 24,000 वेस्ट थॉट्स में से 20,000 तो वेस्ट ही चले जाते हैं अगर हमने सुमान स्वरूप स्थिति नहीं बनाई है। अच्छा अच्छा बोएंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे तो अच्छा अच्छा होगा। अच्छी ऊंची सोच, ऊंची स्थिति, ऊंचे विचार, ऊंची प्राप्ति। सोच अच्छे अच्छे थॉट्स को रचना है, रचना है भाई। अनार बोएंगे तो अनार मिलेगा ना, आम बोएंगे तो तुलसी, बोएंगे तो तुलसी मिलेगी। मैं कुछ बो ही नहीं रहा तो क्या होगा? घास फूस मिलेगा जो गाय भैंस खाएंगी, हम तो नहीं खा सकते ना। हमें बोना है, ये मेरा है, ये मेरा मन मेरा है। मेरा मन कौन है? मेरा दोस्त है। मेरा मन मेरा है। मेरा मन दूर दूर चला जाएगा, सारा दिन खूब दूर दूर चला जाएगा, उसकी बात सोचेगा, उसकी बात सोचेगा, उसकी बात सोचेगा, फिर शाम को किसके पास आके सोएगा? फिर कहते हैं नींद नहीं आती। नींद तो नहीं आएगी, उसको इतना भटकाया है बेचारा, थक गया है। थक गया है तो आराम कौन देगा उसको? उसको चाहिए शुद्ध पवित्र शक्तिशाली संकल्पों का भोजन। वो तो मिला नहीं उसे, वो मैंने दिया भी नहीं, तो मन क्या करेगा? फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो नींद की गोली दे देगा। नींद की गोली देंगे तो वो 4 घंटे सो जाएंगे, जब उठेंगे तो फिर क्या सोचेंगे? फिर वही सोचेंगे जो सोच रहे थे, क्योंकि संस्कार तो वही है। हमें मुझे ऐसी अब अनुभूति होने लगी है कि सोमानों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो संस्कार बदल जाते हैं। मुझे ऐसी अनुभूति अब होने लग गई है, संस्कार बदल जाते हैं, सारे काम ठीक होने लग जाते हैं, जीवन संपूर्ण सुख शांति प्रेम आनंद से भर जाता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आज मैं बहुत बहुत सुखी, बहुत आनंदित, बहुत प्यार भरा मेरा जीवन है। मुझे बाबा बहुत प्यार करते हैं, मुझे बाबा से बहुत शक्ति मिलती है, बाबा की याद बहुत अच्छी रहती है। कारण क्या हुआ? क्या है कि मैं आत्मा पॉजिटिव हूँ। मैं चाहती क्या हूँ? हमें सुख मिले, शांति मिले, प्यार मिले, धन दौलत मिले। चाहिए ना धन दौलत या नहीं? चाहिए ना या नहीं? कपड़ा है, खाना है, रहना है, सोना है, कन्वेंस है, मधुबन जाना है, भंडारी में डालना है, चाहिए या नहीं? चाहिए, चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भाई? जो चाहिए वो सोचना है, जो नहीं चाहिए नहीं सोचना है। अशांति चाहिए? गरीबी, बीमारी, परेशानी, समस्या, दुख दर्द नहीं, तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। कोई बात भी करे तो उसकी बात को सुनना नहीं ज्यादा, बस उसको दुआएं दे देनी, ब्लेसिंग दे देनी, उस पर रहम खाना, लेकिन उसकी बात को अपने मस्तिष्क में नहीं लेकर जाना। जो मस्तिष्क में बात जाएगी, जिसको हम गहराई से, चाहे वो नेगेटिव या पॉजिटिव, वो काम करेगी, काम करेगी, और वही जीवन में हमारे साकार में होने लगेगा। जो ये सोचता है कि बचपन से सोचता है माँ बाप बड़ा बड़े हो जाएंगे, हम देखो बच्चे पता नहीं पूछते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, हमें संभाल के रखना चाहिए, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, दिल खराब, वो परेशानी हो जाती है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पैसे संभाल के रखने चाहिए। मैंने तो कहा, मैंने तो बाबा को दिल दिया हुआ है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है दिल के ऑपरेशन के लिए। लेकिन जिन्होंने संभाल के रखा था, वो रखा किस लिए था? तो उनका दिल
ऑपरेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि मैं पैसे इसीलिए रखे हैं और होगा तो हो गया। कौन सा नियम काम कर रहा है सृष्टि में? विश्वास का नियम, विश्वास का नियम। पंडित जी के पास जाते हैं, कहते हैं वो मौली बांध देंगे और बस 100 रुपया देंगे, और पंडित जी कहते हैं बस वहाँ जो मंदिर में जाता है ना वहाँ सब ठीक हो जाता है। चारों फैमिली के लोग चले गए और मंदिर गए, पंडित जी के पास धागा वागा बंधवाया और 100 रुपये पूजा करी वापिस आए और सोचने लगे बस जो पंडित जी के पास गया था ना वो ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। 7 दिन तक सोचते रहे, 7वें दिन ठीक हो गए। किसने ठीक किया? ना पंडित जी ने ना वो धागे ने, आपके विश्वास ने। क्योंकि आपने क्या सोचा था? ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक। अब क्या सोचना है सारा दिन जिंदगी भर? ठीक रहेंगे, ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, मौज में रहेंगे। बाबा से प्योर एनर्जी लेनी है, 3 चीजें लेनी है, प्योर एनर्जी, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां। चलो लेते हैं, थोड़ा सा फील करो। ये संपूर्ण शरीर प्रकाश का है, सिर से पांव तक प्रकाश ही प्रकाश महसूस करो, फील करो सिर से पांव तक ये शरीर प्रकाश। असल में है ही हम प्रकाश, ये देह अलग है और मैं कौन हूं? प्रकाश स्वरूप आत्मा में प्रकाश का शरीर है, फरिश्ता जैसे प्रकाश का दिव्य शरीर है, प्रकाश के शरीर में चमकती हुई बिंदु हूं। फील करो। और बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, दिव्य गुण दिव्य शक्तियां मुझ में भर रही है। संकल्प और मानसिक तस्वीर बनानी है, विजन बनाना है, बाबा से आ रही है प्योर एनर्जी मुझ में भर रही है, मेरे मस्तिष्क में फैल रही है, संपूर्ण शरीर में अंग अंग में प्योर एनर्जी। इसको दिन में 3-4 बार कर लिया करें। हमें बाबा से, बाबा क्या है, इस दुनिया में 2 हैं, एक हम आत्माएं हैं, हमारे पास एनर्जी है। और किसके पास एनर्जी है? बाबा के पास है। बाकी दुनिया में ये एनर्जी, किसी के पास कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है या नहीं? ये माइक है, ये बिल्डिंग है, ये टेबल है, इसके पास कोई एनर्जी किसके पास है? हमने बनाई है ये चीज, जहाज ऊपर उठता है 40,000 फीट पे, किसने बनाया? जिसने बनाया वो कहता मैंने बनाया, लेकिन उसको बुद्धि किसने दी? बुद्धि दाता कौन है? बाबा। बाबा से दिव्य बुद्धि लेनी है। बुद्धि बहुतों के पास है इस दुनिया में, लेकिन दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि कब मिलती है हम बाबा के बच्चों को? जब जिस दिन हम कोर्स करने आते हैं, पहला दिन हो सकता है, दूसरा हो सकता है, एक हफ्ते बाद, जब मुख से मेरा बाबा निकलता है तो बाबा उसको दिव्य बुद्धि का वरदान दे देता है और उसके बाद उसको ज्ञान समझ आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे भाई बहने दिव्य बुद्धि के वरदान को दुनिया के कामों में यूज करके कहते हैं मेरी एक फैक्ट्री थी, जैसे हम ज्ञान में चले 2 हो गई, तो दिव्य बुद्धि वहां यूज कर ली तो वहां भी तो काम आएगी ना। लेकिन अगर ईश्वरीय सेवाओं में दिव्य बुद्धि नहीं यूज की तो दिव्य बुद्धि लोप हो जाएगी, मल्टीप्लाई होती है। बाबा की सेवा में धन लगाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। उस समय तो हम छोटे थे, 4-5 साल हुए थे ज्ञान में चलते हुए, रोज सोच लेते थे कि बस हर बुधवार को बाबा को भोग लगाना है, पूरे भोग के, पूरी क्लास के फल लेके आ जाने। ये बहनें हैं,
मैंने बाबा को अपना बच्चा बना लिया था। बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि वारिस बना लो, बाबा को बना लो, आप वारिस हो लेकिन बाबा को भी वारिस बना लो। मैंने कहा ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, 3 बेटी हैं, 1 बेटा और हो गया, 4 हो गया। उस समय 25,000 सैलरी थी शायद। हमने कहा ये 5 थे हम पहले ही, अब 6 हो गए, तो अब 4,000 1,000 कम कर देंगे और इतने ही 4,000 बाबा की भंडारी में डाल दें, क्योंकि ऐसे थोड़ी बच्चा फ्री में पलता है, फीस जाएगी उसकी, कपड़ा लगेगा उसका, वो खाएगा, चॉकलेट खाता है आजकल, सब कुछ खाते हैं बच्चे, पढ़ेगा। तो मैंने वो ऐसे कहना तो बच्चा आसान है, बच्चा बना लो, लेकिन बच्चा ऐसे थोड़ी बनता है, कोई किसी को अडॉप्ट करो तो ऐसे बनता है फ्री में, नहीं बनता फ्री में, कुछ नहीं होता इस दुनिया में। मैंने बना लिया और सचमुच मैंने निभाया। हर महीने 30 तारीख को आता था, 30,000 सैलरी थी, तो मैं आते ही पहले 10% 3,000 भंडारी में और 3,000 बच्चे के लिए अलग से। बच्चा बड़ी जल्दी बड़ा हो गया, बहुत समझदार है ये, मेच्योर बड़ी जल्दी हो जाता है ये, और 10 साल बाद मेरी पालना करने लग गया। मैंने कहा वाह, ऐसा बच्चा सबको मिल जाए, ऐसा बाबा सबको मिल जाए। तो 3 संकल्प मैं आज भी, इनमें आपने सुना होगा जो 25 सुना है, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। 100 आत्माओं के प्रति रोज सोच लो। सुना सबने, हमारा कर्मों का हिसाब किताब आत्माओं के साथ है। हम याद बाबा को करते हैं, हिसाब किताब किससे कटता है? कैसे कैसे कैसे? बाबा से कनेक्शन जुड़ा, बाबा से प्योर एनर्जी आई, मैंने आत्माओं के प्रति शुभ भावना दी, उससे बुरा किया था, उसके बारे में अच्छा बोला, वो हिसाब कटा। फिर मैंने बाबा को याद किया, बाबा से प्योर एनर्जी ली, बाबा से बहुत शक्तियां ली, और शक्तियां लेकर बाबा की अपने में समाई, और जब शक्तियां लेकर, ये जैसे समझो 800 करोड़ आत्माएं हैं पूरी सृष्टि में, मेरा हिसाब किताब तो थोड़ा थोड़ा ही है ना सबका, किसी किसी से 2-4 से ज़्यादा है वैसे परिवार में, बाकी तो ठीक ही है, दुनिया में बहुत कम है ना हिसाब। जहाँ जहाँ हमारा हिसाब किताब है वहाँ पाइपलाइन खुली हुई है पाप की, क्योंकि हिसाब उससे जुड़ा हुआ है, बाकी तो सब बंद है। इराक में, ईरान में आपका हिसाब है कोई? कितने मर रहे हैं वो लोग, कोई हिसाब नहीं है ना, बंद है वो पाइपलाइन। बाबा से याद से आए, बाबा से प्योर एनर्जी आई, बाबा से शक्तियां आई, बाबा की याद में वो पाइपलाइन, वो शांति प्रेम, सुख शांति प्रेम की किरणें कहाँ जाएंगी? जहाँ पाइपलाइन खुली होगी, उन आत्माओं को शांति प्रेम अनंत शक्ति मिलेगी, हिसाब कटेगा योग से, और हम आत्माएं पावन हो जाएंगे। है ना सुंदर विधि? क्योंकि जिससे मेरा हिसाब ही नहीं है वहां तो कुछ होने वाला भी नहीं है ना, वहां से तो कोई कष्ट आता भी नहीं है। तो चलते फिरते जैसे यहाँ सेंटर आना है, चप्पल उतारते हैं, वॉशरूम जाते हैं, आना है जाना है, सोचना है, वो शाम को कहीं शॉपिंग करने में, मास्टर सुख शांति शक्ति दाता हूँ, सोचना है, बार बार सोचना है, क्या हो जाएगा? सुख शांति शक्ति के प्रकंपन फैलेंगे जहां जहां आप जाएंगे, और व्यर्थ आना बंद हो जाएगा, और सबसे पहले वो सुख शांति प्रेम किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। दिन में 100 बार ऊपर चले जाना है, मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु, बादलों से पार, चांद सितारों से पार, सीधा परम धाम बाबा के पास, बाबा के पास रुक जाओ, बाबा के पास रुको, बाबा को निहालो, बाबा से प्योर एनर्जी भर कर वापिस आ जाओ। कितना टाइम लगा? दिन में 100 बार चले जाओ। पहले बड़े बुजुर्ग होते थे ना, उनके पास कोई जाता था, कोई कन्या जाती थी, कोई बच्चा जाता था, वो कभी खाली नहीं भेजते थे, चाहे गोड़ी दे देते थे, चाहे कुछ एक दो आना ही दे देते थे, देते थे, खाली कभी नहीं भेजते थे। बाबा तो हमारा सागर है, दाता है, जो बाबा के पास बच्चा जाएगा उसका क्या करेगा बाबा? कुछ ना कुछ उसको, बहनें भी यहाँ आती हैं तो कुछ ना कुछ टोली
देती है ना, दादियां भी देती थी, तो बाबा नहीं देता होगा। बाबा वो दे देगा जो हमें चाहिए। मैं रात को बाबा के पास जाता हूँ रोज, कभी बीच बीच में भी जरूरत होती है तो जाता हूँ, और रात को जाके सारी बात बताता हूँ बाबा को, अपनी दुख सुख की सारी बात राज रात को रोज बतानी है। बिंदु बाबा के पास बिंदु बनकर जाना है। मैं बिंदु आत्मा निराकार, बादलों से ऊपर, चांद सितारों से ऊपर, अंतरिक्ष से भी ऊपर, परमधाम बाबा के पास। बाबा को देखा, थोड़े गीत गा लिए बाबा के, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, मुक्तिदाता निराकार, दुख हरता सुख हरता, ऐसे गीत गा के बाबा को देखा। बाबा को सारी, मुझे कल ना बोरीवली क्लास कराने जाना, बाबा आप साथ आ जाना। बाबा बंधा हुआ है, अभी सुना होगा दो दिन पहले, बाबा बंधा हुआ है, बाबा आएगा। बहुत भयानक समस्या हमारे पास आ गई तो भी बाबा को बुलाओ, बाबा आपको आना है कल, वहां पर 3:15 बजे पहुंचना है। बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पास कि जो हमसे नहीं, हमें लगता है नहीं होगी, मुझे नहीं पता क्या होगा, बाबा आप आना है। बाबा वहां पर ठीक 3:15 पहुंच जाएंगे, आपका काम कर देंगे, लेकिन बाबा को बताना है रात को रोज सारी बात। हो जाए ना सिर दर्द आपका, कोई बात बता दो बाबा को। मैं बाबा परमात्म किरणों की जो है, मैं बहुत प्रैक्टिकल उसको यूज करता हूँ। बस सिंपल फार्मूला ये, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, बाबा ऊपर है परमधाम में, बाबा से परमात्म किरणें, प्योर एनर्जी, परमात्म किरणें निरंतर मेरे ऊपर आ रही हैं, और मैं आत्मा परमात्म किरणों की गुफा के अंदर मैं महान योगी आत्मा बैठी हूँ। बैठेंगे 2-3 मिनट, बैठो, अनुभव करो, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, निराकार बाबा को देखो, परमधाम बाबा से आती हुई परमात्म किरणें निरंतर मेरे चारों ओर फैल रही हैं, मेरे चारों ओर बहुत सुंदर परमात्म किरणों की गुफा बन गई है, और मैं चमकती हुई बिंदु उस गुफा में बैठी। मैं ऐसा मानता हूँ कि परमात्म के, जैसे कोई दवाई खाते हैं ना, एक्शन 500 होती थी पहले, एक वो ऐसे दिखाते थे, ऐसे छाती क्लीन हो गई एक्शन 500 से, तो क्या अगर एक्शन 500 छाती क्लीन कर सकती है, तो क्या परमात्म किरणें जो है वो हमारे शरीर के रोगों को नष्ट नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं या नहीं? ताकत है उनमें या नहीं? समय ऐसा आ गया है कि अब दवाइयां काम नहीं करेंगी, डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। तैयारी तो पूरी हो गई है पूरे वर्ल्ड में, संसार में, किसी भी दिन परिवर्तन हो सकता है ना, बहुत तेजी से परिवर्तन हो सकता है। तो मुझे क्या सोचना है? रोज सोचना है कि मुझे संपूर्ण स्वस्थ रहना है, और हर चीज को ठीक करना है परमात्म किरणों से। फैला दो, रात को पूरे कमरे में, बेडरूम में सोओ, बाबा से प्योर एनर्जी आ रही है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा से पवित्र धाम से प्योर पवित्र किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा में भर रही हैं, चारों दीवारों में, छत पे, पूरे प्योर एनर्जी फैला कर सो जाओ, सपने भी नहीं आएंगे। कोई बुरे सपने रात को आ जाए, सुबह उठकर सपना किसी को सुनाना नहीं है, रिपीट नहीं करना, कोई दुख वाली बात को दोबारा रिपीट नहीं करना है। जो बात आप बार बार स्मृति में लाते हो, वो आपके जीवन में फिर होने लगती है, बार बार होने लगती है। सोचना ही नहीं है, सोचना क्या है? जो मुझे अच्छा अच्छा चाहिए वही सोचना है। नहीं कुछ समझ आए तो सोमानों की माला फिरानी है।
मैं ऐसे याद करा देता हूँ, गांव में जाता हूँ ना तो माताओं को पढ़ना लिखना नहीं आता, कई बार क्लास भी अच्छी होती है तो क्या करती हैं वो, मैं 2-3 वर्ष क्लास में ही सुना देता हूँ, कोई कोई को तो 15-20 सोमान ऐसे एज इट इज इसी इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, करेंगे इसका बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट, टेस्टेड फार्मूला है ये, आप इसको इसी सीक्वेंस में याद करो, 3 दिन में याद हो जाएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, तीन हो गए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, एक एक संकल्प की एनर्जी अलग काम करती है, मैं महान पुण्य आत्मा हूँ आपके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हीन भावना खत्म होनी शुरू हो जाएगी, महानता के गुण आने शुरू हो जाएंगे, सफलता के संकल्प लेंगे सफलता मिलने शुरू हो जाएगी, कदम कदम पर सफलता मिलेगी, आजकल मैं जो सोचता हूँ वो होने लग गया, अचानक सोच लिया, योग में बैठा कुछ अच्छा सा सोच लेता तो 5 बजे मैं 5 बातें अच्छी सी सोचता हूँ रोज, ठीक 5 बजे मुझे संपूर्णता को बहुत जल्दी से प्राप्त करना है, मुझे कर्मातीत अवस्था को बहुत जल्दी से प्राप्त करना है, मुझे बाबा के साथ घर जाना है, मुझे बाबा के साथ बहुत विशाल सेवा करके घर जाना है, सोचना है। जिस दिन से मैंने काम करना शुरू किया सचमुच इतनी विशाल सेवाएं होने लग गई, ऐसे ही सोच लिया कि मुझे तो विदेश में दोहा भी तो सेवा करनी चाहिए, दोहा हमारी छोटी बिटिया होती है जिसकी बात सुना रहा था अभी आपको, वो 11 साल की थी जब मैंने जॉब छोड़ दी, और आज वो यहाँ तो हाई कोर्ट की एडवोकेट थी, और वहाँ जो है एक मैं ही बस साधारण गरीब हूँ, बाकी सब अच्छे हैं, जो धन उनका था वो उनको फल मिल रहा है, और मैंने सोचा बस ऐसे ही सोच लिया, सोच लेता हूँ कभी कभी बहुत ऊंची ऊंची बातें भी सोचता हूँ कि वहाँ सेवा करने से, मुझे कोई जानता भी नहीं था लेकिन मैंने सोचा और सोच के छोड़ देता हूँ, बस क्या करना है, हमारा अवचेतन मन काम कैसे करता है, सोचना है छोड़ देना है, सोचना है छोड़ देना, जो बात ज़्यादा है प्रभावशाली संकल्प सच हो जाते हैं, जो चीज़ आप बार बार सोचेंगे वो सच होने लग जाएगी, कोई अच्छी या बड़ी, तो जब मैं ये माला बार बार फिराऊंगा तो क्या होने लगेगा, शांति प्रेम सुख सफलता विघ्न विनाशक, इसमें जो है वो सब मिलने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर उन संकल्पों के अंदर उस कर्म की उस प्राप्ति की एनर्जी भरी हुई है, क्योंकि किसने दिए ये, भगवान ने दिए थे, ये भगवान ने मुरली में बोले थे और हमने उसमें से ये निकाल लिया, और उसकी प्रैक्टिस कर, किसी किसी जगह तो अच्छी सी प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, क्लास के बाद 25 को रिपीट करते हैं सारे और खूब अच्छे से करते हैं प्रैक्टिस, थोड़ी सी आप भी कर लो अनुभूति हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास समय बस 20-25 मिनट का और है, तो अच्छी सी अनुभूति और थोड़ी सी, मैं आपको ये थॉट्स देता हूँ, आप मन में इसको 3-4 बार रिपीट करना, मैं फिर दूसरा दूंगा फिर उसको 3-4 बार रिपीट करना, और दूसरा क्या करना, एक मानसिक तस्वीर एक विजन बनाना कि बाबा से परमधाम से परमात्म किरणें आ रही हैं, परमात्म किरणों के नीचे कर्म करने की आदत बना लो, मुरली सुननी है तो परमात्म किरणों के नीचे, ड्राइविंग करनी है तो, भोजन बनाना है, कपड़े धोने हैं, सफाई करना नहीं है, करनी है या करानी है, परमात्म किरणों के नीचे, परमात्म किरणों को अपना सुरक्षा कवच बना लो, बहुत सुंदर मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, जीवन सुखद बनता चला जाएगा, चलिए परमात्म किरणें विजन बनाओ अपने ही मन में, मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, आप करेंगे तो, दिमाग बंद नहीं रखना, बंद दिमाग क्या होता है, शून्य में नहीं जाना है, सन्यासी शून्य में चले जाते हैं, इसलिए उनका क्या होता है, दिमाग शून्य में चला जाता है, शून्य में नहीं जाना है, मैं जो आपको सामान देता हूँ उसको 3-4 बार रिपीट करना, फिर मैं आपको उसका फाइनल रिजल्ट भी बताऊंगा कि क्या होता है। चलिए संकल्प लीजिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा परमात्म किरणों के नीचे, आप 3-4 बार रिपीट करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, बहुत लवफुल, बहुत लय से, बहुत प्यार से, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं,
मैं मास्टर ज्ञानसूरी हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं महान पुण्य आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा साथी है। सबका कल्याण हो जाए, संपूर्ण सृष्टि पर नजर फैला दो, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका मीठे प्यारे बाबा से योग लग जाए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं पूजनीय आत्मा हूँ। मैं खुशनसीब आत्मा हूँ। मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। मास्टर आनंद का सागर हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूँ। मैं मास्टर पालनहार हूँ। मैं मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मात्र 5-6 मिनट में क्या हुआ इस पूरे हॉल में? 25 सोमानों की माला फिराई और हमने मान लिया एक एक ने आपने 4-4, 5-5 बार रिपीट किया। आप 150 भाई बहन बैठे हैं, 4 बार रिपीट किया कितना हो गया? 600 × 25 कितना हो गया? 1000 संकल्पों की प्योर पावरफुल थॉट्स की तरंगे फैल गई। इस पूरी सृष्टि में क्या हो रहा है? एक ऊर्जा फैलती है, एनर्जी फैल रही है। बाबा की एक एनर्जी है, एक हम आत्माओं की एनर्जी है, बाकी तो कहीं किसी दुनिया में कोई एनर्जी है नहीं, कोई एनर्जी नहीं है किसी के पास। जानवरों में थोड़ी सी है, बस गुजारे लायक ना,
उनके पास कोई बुद्धि अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक एनर्जी है। अब हम जो सोचेंगे वो हमारे जीवन में होने लगेगा। जो सोच रहे हैं वही हो रहा है। किसी के जीवन में असीम दुख आ रहा है तो उसका कारण क्या है? वो दुख की बातें ज्यादा सोचता है। मैंने सुमानों की माला फिरानी शुरू की, ये सारे पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स हैं। दुआएं मिली, मनसा सेवा बहुत दूर तक काम करती है, बहुत दूर तक काम करती है। संकल्प किया, मैं दोहा गया वहां पर, वो बहन जानते भी नहीं थे, फिर मिले, हुई, वहां क्लास कराई, वहां से क्लास कराई तो ऑनलाइन क्लास, लखनऊ कलकत्ता में भी लोगों ने सुन ली, वहां सेवा हो गई, वहां टाउनशिप में हो गई, वहां गई, वहां से, क्योंकि मैं तो घूमने गया ही नहीं, मैंने तो बाबा को क्या कहा था, मुझे तो सेवा करने जाना है, सेवा वहां हुई। आगे अभी एक मास पहले ही संकल्प किया कि बॉम्बे, मुझे वो हर्षा बहन है वहाँ थाने में, वहीं मैं आता हूँ। उन्होंने कहा जैन भाई अब आपको हर मास आना है। एक बार बोला, दूसरी बार आया तो मैंने कहा, फिर कहा आपको तो हर मास आना है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, मैंने माना और देखो फटाफट काम हुआ। मैंने अब मैं 30 तारीख को यहाँ आता हूँ, 10 तक यहाँ रहता हूँ, 10 को दिल्ली चला जाता हूँ, फिर 30 तक वहाँ रहूँगा, फिर वहाँ 4, 5, 7 जगह जो भी जहाँ भट्टी कराता हूँ योग। मुझे कुछ और आता भी नहीं है, मैं सच बताऊँ, मुझे मात्र यही काम आता है। बस मैं कहता हूँ बुद्धि अच्छी हो, शरीर अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्यों नहीं अच्छा होगा सब अच्छा। जब मैं अच्छा अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छा अच्छा सोचता हूँ तो मेरे साथ कोई, मैं कहूँ बाप बहन जी मुझे बहुत, आप बहुत अच्छे हो, बहुत ध्यान रखते हो, मेरा बहुत ही प्यार, बहुत ही मुझे अच्छे, बहुत ही अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आप चाहे मुझे जैन भी कहेंगे, जैन भी अच्छा, पर किसी दिन फिर कह देंगे अच्छे जैन भाई अच्छे हैं, कहेंगे या नहीं? ऐसे ही बाबा को कहना है, बाबा से लेना है, बाबा से मुझे बहुत प्यार मिले। 4 बातें याद रखनी, बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा से शक्ति और बाबा से सर्व प्राप्तियां। ऐसे ही चलते फिरते याद किया करो। इस योग को इतना सहज बना देना है कि चलते फिरते, खाते पीते सोते बाबा याद रहे, बाबा की याद, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा से सर्व प्राप्त। सब प्राप्तियां कहाँ से लेनी है? जो चाहिए, जो चाहिए मांगो, ले लो ना। पिताजी से मांगने में किस बात की शर्म है? पापा है ना हमारे, बाबा है ना हमारे, अंकल तो नहीं है ना, बाबा है ना, तो मांग ले, क्या मुश्किल है? मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए। सेवा भी करेंगे तो कुछ तो खर्च करेंगे, कुछ पहनेंगे, कुर्ता पजामा पहनेंगे, कुछ तो करेंगे ना। बाबा से लेना है। अब बाबा के पास, इस सृष्टि का रचनाकार कौन है? बाबा है। सृष्टि की रचना किसने की? सब कुछ ये आज जितनी सुंदर दुनिया लोगों को दिख रही है, ये किसने बनाई? बाबा ने बनाई। और मैं आत्मा भी तो मास्टर रचनाकार हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर विश्व रचयिता हूं, मास्टर नवयुग निर्माता हूं, हूं या नहीं? किसको अथॉरिटी दी है भगवान ने? ये सब हमको दी है। किसको दी है? अपने ही बाबा के बच्चों को मिली है, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। खूब करना है, थोड़ा नहीं। एक आध टॉफी खा ली, चॉकलेट खा ली, उससे क्या मिलेगा? खूब कोई खाना अच्छा खाता है, दाल रोटी साथ चावल सब्जी पनीर दूध सूप पीता है, फल खाता है, सलाद खाता है, ड्राई फ्रूट काजू बादाम खाता है, लाल गुलाल हो जाएगा या नहीं? एक्सरसाइज करता है, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? खुराक अच्छी खाता है, मन की खुराक अच्छी खानी है रोज, कहीं हार नहीं माननी है, कहीं हार नहीं माननी, खुशी से रहना, आनंद से रहना, मौज से रहना। ऐसा नहीं, कभी कभी किसी को कितनी अच्छी बातें सुनाओ, खुशी सुनाओ, आनंद सुनाओ, योग की सुनाओ, ऐसे ऐसे होंगे जैसे उनके 15-20 जहाज डूबे हुए हैं। क्या हो गया? बाबा मिला,
भगवान मिला, जीवन अच्छा, सब कुछ तो मिला हुआ है, क्या हुआ? कोई चीज कम हो गई तो क्या हो गया? लोगों के पास, 400 करोड़ लोगों के पास दो वक्त की रोटी खाने की नहीं है, मकान नहीं है उनके पास, रोज कपड़ा बदलने को नहीं है, 400 करोड़ लोगों के पास। और हमें बाबा ने क्या दिया? सफेद कुर्ता पजामा, सबसे महंगी बात है ये कुर्ता पजामा पहनना, रोज धोओगे, रोज साफ सुथरा पहनोगे, इससे अच्छा रॉयल कपड़ा तो दुनिया में है नहीं, तो कितना महंगा काम है ये, और हम पहनते हैं, तो फिर कितने अच्छे बच्चे हो गए बाबा के। रोज सोचना है मुझे बाबा की विजय माला में आना है, 108 की विजय माला में आना है। कहेंगे नहीं भाई जैन भाई, आप तो ऐसे कहते हो, हम तो अभी अभी आए हैं। बाबा ने कहा है कि बच्चे आप विजय माला में आओ, मैं 108 की कई लड़ियां बना दूंगा। तो बना देगा, उसको मजबूर कर दो, पर इतना बनना तो होगा ना, करना तो होगा। जो संकल्प ऐसे होते उनको बार बार रिपीट करो, मैं महान पुण्य आत्मा हूं, मैं महान योगी आत्मा हूं। 100 बार सोचो, मैं क्या होने लगेगा फिर? एक संकल्प, उस संकल्प की एनर्जी उसके चारों ओर फैलेगी और आपके जीवन के अंदर वो सारी परिस्थितियां पॉजिटिव, अनुकूल होने लगेंगी, आपके साथ होने लगेंगी। सुना ध्यान से, हर चीज आत्मा इस शरीर की भी रचना करती है। एक शरीर आत्मा 70 साल का भाई है और यहाँ शरीर छोड़ दिया उसने, उसने दूसरे वहां जाके बच्चा बनना है, उसका मस्तिष्क साइंटिस्ट का है 70 साल के भाई का, और वो माँ के पेट, माँ अनपढ़ है, और उसके पेट में उसने जाना है, उसने वहां जन्म लेना है और वहां साइंटिस्ट बनेगा ना, क्योंकि यहाँ से साइंटिस्ट के संस्कार लेके जा रहा, तो कौन बनाएगा उसका ब्रेन? आत्मा। आत्मा अपनी, अपने घर को कौन तैयार करेगा? कर्म कौन लेके जाएगा? पाप कौन लेके जाएगा? पुण्य कौन लेके जाएगा? आत्मा। आत्मा प्रिपेयर करेगी, क्योंकि वैसा ही चाहिए उसे। आजकल देखते हैं बच्चे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे पैदा हो रहे हैं, हैंडीकैप है, कभी कुछ है, कारण पुराने कर्मों का हिसाब आत्मा साथ लेके आ रही है। प्रकाश के, लाइट के शरीर का 15 मिनट सुबह 15 मिनट अभ्यास करो, बीमारियां नष्ट होने लगेंगी। बाबा की प्योर एनर्जी लेने लग जाओ, बीमारियां नष्ट होने लगेंगी। सिर दर्द मुझे याद ही नहीं है, मैंने कभी मुझे मैंने किसी को कहा हो मेरा सिर दर्द हो रहा है, 69 ईयर्स हो गए, मैंने कभी आज तक कोई, मुझे पता नहीं सिर दर्द की दवाई होती कौन सी है, मुझे नहीं पता। मुझे एक नाम याद है, क्रोसिन, कोई जब मुझे दवाई का नाम आता ही नहीं, मुझे मुझे पता भी नहीं, हमारे घर में भी नहीं है। 100 रुपए का भी खर्चा मेरा पूरे साल का दवाई का नहीं है, पक्का रखना है। कभी सोच लिया करता तब मैं कि बाबा देखो मुझे बीमार होना नहीं है, लेकिन अगर कोई बीमारी परेशानी दवाइयां होगी ना, उसका वो सब मैं बाबा भंडारी में डालूंगा, मुझे तो बचा के ही रखना आप। बाबा ने बचा के रखा। बाबा के पास क्या नहीं है? बाबा के पास क्या नहीं? वो जो चाहो वो दे सकता है। आत्मा से नहीं मांगना, आत्मा से नहीं कहना, और ये कभी नहीं कहना मेरे पास ये नहीं है, है ना। बहुत सारे ऐसे भाई बहन होते हैं सेंटर पे, बहन जी ने कहा अभी मकान बनना है, अच्छा धन थोड़ा सेवा करो, सारे अच्छा सा करो तो बन जाए, कुछ अच्छा करो, और कोई के पास होता है पड़ा और कह देते हैं बहन जी है ही नहीं, है नहीं कहेंगे तो है नहीं हो जाएगा। सच बात है ये, जैसे कोई यहाँ से जॉब करने जाता है, जॉब लेने जाता है किसी का बच्चा, और माँ बाप भी कहते हैं आजकल जॉब कहाँ मिलेगी, पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, पता नहीं काम होगा या नहीं, वो सारे रास्ते में सोचते गए पता नहीं होगा पता नहीं, फिर वहां जाके पता नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपने तो सोचा है पता नहीं हो जाएगा, सोचना क्या है? फर्म, पक्का होना, निश्चय बुद्धि की, मेरा काम होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं होगा तो इसका मतलब नेक्स्ट और 15 दिन बाद इससे अच्छा होना होगा। हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। नींद नहीं आ रही रात को, कोई बात नहीं, बाबा की परमात्मा किरणें ज्यादा ले लो,
अच्छा है ना, नहीं आ रही तो रोना क्यों है? किसी भी बात के लिए दुख दर्द फैलाएंगे तो दुख दर्द वापस मुड़ मुड़ के आएगा, सुख फैलाएंगे तो शांति फैलाएंगे तो प्रेम फैलाएंगे तो ऐसे सोच लिया मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। भाइयों को थोड़ी बड़ी मुश्किल से होती है प्रेम फैलाने में, मैं प्रेम स्वरूप आता हूँ क्योंकि माँ की ममता तो अलग होती है ना, तो थोड़े से ऐसे हार्ड से हो जाते हैं। हमारे अंदर दोनों संस्कार है ना बाबा, ऐसे थोड़ी होता है, ये दो जन्म बहन के दो जन्म भाई के तो तीसरा कहाँ लेना है। हर दो जन्म बाद बाबा चेंज करता है, दो बहनों के हो जाएंगे तो फिर क्यों एक दो भाइयों के हो गए तो तीसरा बहन का। हम ऐसे ही चलते थे, हमने मान लिया था, मैंने सेंटर पे ऐसे ही सेवाएं की जैसे कि बहनें करती हैं, मुझे सब पता, भोजन का, चीज का, भंडारी का, सेवा का, मधुबन का, टिकट्स का, सब पता होता, सब कुछ करता था। क्यों नहीं करेंगे हम बहन भी तो हैं। और हम मुझे कहती है गीता बहन है सीरी फोर्ट में, बहुत पुरानी है, तो शायद 90 साल की है वो, तो कहती थी टीचर बहन, कहते जैन भाई जो है ना बहन भी है भाई भी है। हमें लोग कहने लग जाते हैं, मुझे कहने लग गए ना कि भाई बस आपको तो बस यही करना है, तो मैंने कहा हाँ सचमुच यही तो करना है मुझे बस। अब वो कहने लग जाए कि बस अब तुम तो अब बस योगी बन गए हो, योगी बन गए, कोई कहने लग जाए तो माना आप कुछ तो योगी बन ही गए हो ना, क्योंकि लोग कहते हैं। तो बाबा कहते प्रभु पसंद, लोक पसंद और ये प्रत्यक्ष होने वाली बात। और अब तो वैसे ही जय जयकार का समय आ गया, होने वाली है किसी भी दिन प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, फिर तो देखो क्या मौज हो जाएगी, सबका योग बहुत पक्का हो जाएगा, खुशियां ले आनंद आ जाएगा कि बस बाबा 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 बाबा। इसीलिए तो गाड़ी रुकी हुई है कि मेरे बच्चों को दुख दर्द ना मिले, मेरे बच्चों को सजा ना मिले। 2017 से बाबा नहीं आ रहा, 7 साल किसी का पिता ना आए तो कैसा होगा। बोलो बोलो। मैंने तो बाबा ऐसे हॉल में हम बैठे हैं डायमंड हॉल में, बाबा उठ के आ जाते थे स्टेज से और आके और ऐसे पूरा यू शेप में बना देते थे और बाबा आके खड़े हो जाते थे और हम तो बैठे होते थे क्योंकि उठना तो अलाउड नहीं था। प्यार के बाबा के हमारे आंखों में आंसू आ जाते थे सबके कि भगवान खड़ा है और हम बैठे हैं। और चक्कर लगाता 1.5 घंटा बाबा चक्कर लगाता था, भगवान स्टेज से उतरा, मुरली चलाई, नीचे आया, सब एक एक को ऐसे 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 के पूरी दृष्टि देता था। 20,000 बैठे होते थे डायमंड हॉल में, वो दृश्य खत्म हो गया ना। फिर 2017 में भी गुलजार दादी यहीं रही मुंबई में, वो भी दृश्य खत्म हो गया ना, बाबा नहीं आ रहे, किसकी वेट कर रहे हैं बोलो। हम बच्चों की वेट कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को सजा ना मिले। संपूर्ण पावन बन के मेरे साथ चले, इंतजार भगवान को ज्यादा इंतजार कराना अच्छा नहीं है, बड़े बाबा है ना, योगी बनना है, महान योगी बनना है, संपूर्ण पावन जल्दी से बनना है। और हमारे पास हमारी दो ही चीजें हैं, प्योर संकल्प, संकल्पों पर बहुत अटेंशन देना है, और प्योर विजन, मानसिक तस्वीर बहुत सुंदर बनानी है। एक मानसिक तस्वीर 5 मिनट की 100 संकल्पों के बराबर है। बाबा से प्योर पवित्र किरणें आ रही हैं और आप संकल्प ले रहे हो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। आप 100 बार लेते हो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और आप 5 मिनट की केवल तस्वीर बना लेते हो और टिक जाते हो उस पे, वो उस 100 थॉट्स के बराबर काम करेगी। मानसिक तस्वीर इतनी
पावरफुल होती है, उसकी विधि सीख लो, अंतर्मन सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना सीख लो, फिर जीवन आनंदित ऐसे मौज हो जाएगी। जो सोचेंगे वो होगा, जो कहेंगे वो होगा, जो जिसको कहेंगे वो भी मानेगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा। घर भी, परिवार भी, बिजनेस भी, सेहत भी, रिश्ते भी, सब अच्छे होने लगे, बहुत अच्छे होने लगे। चाहिए ऐसी स्थिति या नहीं चाहिए? मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि सब आप सब बहुत अच्छे महान योगी बन जाओ, संपूर्ण स्वस्थ हो जाओ, परिवार भी संपूर्ण स्वस्थ हो जाए, सुख शांति प्रेम आनंद खूब सा में भर जाए, सब जगह भर जाए, सब सेंटर्स पर भर जाए। ये तो बाबा की प्लानिंग है ना, मेरी तो कोई प्लानिंग भी नहीं थी आपके साथ आने की। मुझे तो आनंद आ गया आपसे मिलकर, खुशी हो गई, मौज हो गई मेरी भी, मुझे भी ताकत मिल जाती है आप सबको देखकर मिलकर। लेकिन ये किसकी प्लानिंग है? ये बाबा की प्लानिंग है, हमारी तो कोई प्लानिंग नहीं है। हम तो सोच सकते हैं बस, बाबा करण करावनहार तो बाबा है, बाबा कराएंगे, बाबा खूब कराएंगे, बाबा सब जगह कराएंगे। मैं तो बहुत जगह जाता हूँ, फिर वो बहनें ले जाती हैं, सेवा होती है, कराता हूँ, और क्योंकि जो किया है वही करता हूँ, वही कराता हूँ, फिर वो अभ्यास खुद करता हूँ, नए नए सोमान निकालते। तो एक बहुत पावरफुल सोमान ले लिया करो, मैं मास्टर पाप कटेश्वर हूँ। पाप कटेश्वर कौन है? बाबा। और मैं कौन हूँ? मास्टर पाप कटेश्वर। बस ऐसे संकल्प लेके बाबा से प्योर पवित्र किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा में भर रही हैं, मुझसे चारों ओर बहुत दूर दूर तक आत्माओं को टच कर रही हैं, जिसको भी टच कर रही हैं उसके भी पाप नष्ट हो रहे हैं। दिल से प्यार से कौन सा नियम काम करेगा? सच्चाई का, विश्वास का, और बार बार अभ्यास। जो चीज बार बार की जाती है उसका परिणाम बहुत जल्दी आता है, बार बार की जाती है। सोचना है बार बार, बस सोचना है बार बार, सोचना है बार बार, सोचना है अच्छा अच्छा, सोचना है शुभ, सोचना है। दूसरों के बारे में भी बुरा सोचेंगे तो आपका बुरा हो जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन को ये नहीं पता है कि आप उसके बारे में बुरा सोच रहे हो। वो तो ये सोचता है, वो इतना सीधा भोला भाला है, इतना गंभीर है कि वो ये सोचता है बुरा हो जाए, क्योंकि आपने सोचा है बहुत बार बुरा हो जाए, बुरा हो जाए। यहाँ तक भी जिन माताओं ने, बहनों ने, सास बहू होती है ना, 20-20 साल ईर्ष्या करती रहती हैं आपस में, 20 साल बाद उनको पेप्टिक अल्सर हो गया, क्यों हुआ? अच्छा खाना खाती थी, वेजिटेरियन है वो, क्यों हुआ? क्योंकि ईर्ष्या, ईर्ष्या माना जलन, जलन वो पेप्टिक अल्सर हो गया उनको, क्योंकि जलती थी वो आपस में दोनों। जलना नहीं है, जलना बंद हो। मान लिया मेरे मन में कोई बुरा संकल्प आ जाए तो तुरंत पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स को 10-20 बार रिपीट करना है। आ जाते हैं कभी कभी ना, पुराने संस्कार जागृत होते हैं, रिपीट करना है। नहीं तो क्या करना है, सीधा फिर माला, 25 वाली माला, इसको मैं क्या करता हूँ, फिर चार बार फिरा देता हूँ, चार संकल्प एक साथ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जो संकल्प 4-5-6 बार लेंगे वो इफेक्टिव हो जाएगा, वो अंतर मन उसको स्वीकार कर लेगा, वो कहेगा यही सच है, और आपके जीवन में वो होने लगेगा। आप सोच लो मुझे स्लिम होना है, स्लिम होना है, स्लिम होना है, आप स्लिम हो जाएंगे। सच बात है ये। खूब पानी पिया करो, 2-3 लीटर, 5-3 लीटर तो पी लिया करो अच्छे से, और 6 घंटे से 8 घंटे जरूर सोना है। अगर नहीं सोएंगे तो भी फैट रिलीज नहीं होगा, पानी नहीं पियेंगे तो भी फैट रिलीज नहीं होगा। लंबे लंबे गहरे श्वास 100 बार सुबह भरने हैं, 100 बार शाम को भरने हैं। ये भरा तो कितना हो गया, 10 टाइम्स, और ऐसे बैठे हुए हैं तो जिंदा रहने के लिए सांस ले रहे हैं बस। अभी 21 जून को मैंने वहाँ कराया ना योगा, मैं ही कराता हूँ, इंटरनेशनल योगा डे होता है ना रेड फोर्ट पे, 20,000 भाई बहनों को मैं ही कराता हूँ, 1.5 घंटा कराया था। तो वहाँ सब कर रहे थे, तो वहाँ पीछे पीछे जो 80 साल की बहनें थी वो भी कर रही थी,
और मैं कोई ऐसा दिन नहीं है, अभी बहन जी सुना रहे थे ना, 35 साल हो गए मुझे। मैंने 89 में योगासन प्राणायाम सीखा था भारतीय योग संस्थान से, और मैंने कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैंने योगासन प्राणायाम छोड़ा हो। रेड फोर्ट पे मेरे पास बहुत सेवाएं होती थी, टोली बांटना, 80,000 टोली बांटना, 30,000 भाई बहने होते थे, 30-40,000, तो दो, एक मीठी एक नमकीन, 80,000 टोली बांटना, 60,000 पानी के बॉटल्स बांटना, ये सब काम मेरे पास होता। फिर योगा भी कराना, पौना घंटा, 2 बजे उठ के भी जाना। तो मैं 2 बजे जब सुबह उठ के भी जाता था तो भी मैं आधा घंटा करके जाता था, मैंने कभी मिस नहीं किया। इसकी ताकत मिलती है, आप इसको यूज़ करो। ये तो वैसे सेशन कभी अलग होगा, कभी फिर कभी आऊँगा तो कभी फिर मिलेंगे तो वो भी करेंगे, सोचेंगे उसका हमें, क्योंकि ये मिसिंग है कुछ ब्राह्मण परिवार में। शरीर कहते, बाबा कहता, देखो क्या देखना, देखो क्या देखना। दे तो ये बहुत, आज ही तो बोला कितनी इम्पोर्टेंट दे है ये, आखिर इसके थ्रू ही तो सेवाएं हो रही है ना। अगर ये दे अच्छी ना हो, ठीक ना रखोगे तो फिर सेवा कैसे होगी। बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो योग कैसे करेंगे। दिमाग कमजोर हो जाएगा तो आजकल बहुतों की मानसिक स्थिति खराब हो रही है ना, याददाश्त घूम भूल रही है। अगर आप सोमान करेंगे तो आपकी याददाश्त अच्छी होने लगेगी, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। किन्हीं किन्हीं को याददाश्त कमजोर रही, किसी को और बहुत सारी बातें भूलने लग गई हैं, पुराने पुराने भाई बहनों को। कारण क्या हुआ है, व्यर्थ संकल्प बहुत चले हैं। उन्होंने क्या किया, ब्रेन के सेल्स को डेड कर दिया, बेकार हो गए, वो नहीं करना है। हमारा ज्ञान क्या है, चैतन्य है, खुशी उमंग उत्साह वाला है ना, और आनंद से संकल्पों को रचना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कौन कहता है इस दुनिया में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कितने कहते हैं कितनी बार कहते हैं, तभी तो नंबर वार हो गए ना। नंबर वार नहीं, हमें कैसे बनना है, फर्स्ट आना है, टॉप पे आना है, माया विजय माला का दाना बनना है, बाबा के साथ घर जाना है। बार 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 सुबह 5 बजे बोल दो, बाबा मुझे आपके साथ घर जाना है, मुझे बाबा, रोज बोल दो 365 दिन। आप बिंदु बहन जी को रोज बोल दो, बहन जी मुझे मधुबन लेके जाना, जब जाओगे मुझे लेके जाना, मुझे लेके जाना। मुझे कोई बहन बोल दे, जब बहन जी जाएंगी तो कौन याद आएगा, बहन जी वो बहन कह रही थी उसकी टिकट कराओ, उसको ले चलो। तो बाबा जब जाएगा तो जो रोज 5 बजे बोल देगा, कौन याद आएगा उसे, अरे वो बच्चा है, थोड़ी एक दिन और रुक जाओ, उसको लेके चलो साथ। बाबा के साथ जो जाएगा उसे सजाएं नहीं मिलेंगी, बाबा के जो साथ जाएगा वो विजय माला में जरूर आएगा, बाबा के साथ जाएगा वो सूर्यवंशी घराने में जरूर आएगा। बहुत टफ पेपर है इस समय, 25-30 लाख भाई बहने चल रहे हैं, कोई हफ्ते में 2 बार आते हैं, कोई 1 बार आते हैं, कोई 3 बार आते हैं। हम जब ज्ञान में चले थे तो 1.5 लाख थे, तब कहते थे हम सारे ही आएंगे 9 लाख में। आज 25-30 लाख चल रहे हैं तो कितने फेल हो जाएंगे, बोलो, टफ पेपर है। योगी हॉर्स रेस सुनी होगी ना, हॉर्स रेस, योगी दौड़ रहे हैं लाखों, 25-30 लाख दौड़ रहे हैं। वहां घोड़ा कौन सा हारता है, वहां घोड़ा जिसकी वो लगाम खींच लेता है ऐसे देखता है ना, जो वो हार जाता है, सीधी सीधा दौड़ता है वो जीतता है। अब इधर उधर जिसने इधर उधर देखा वो बहुत पीछे हो जाएगा। इधर उधर देखना, प्रदर्शन, परचिंतन, व्यर्थ चिंतन, टीवी देखना, यूट्यूब देखना, फेसबुक देखना ना। रात को जिन्होंने भी बहुत डरावने वाले सीन देखे हैं उनको आप इस समय पर सबसे ज्यादा भय आ रहा है, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। जिन बहनों ने दोपहर को वो सीन देखे हैं या वो सास बहू वाले सीरियल देखे हैं उनके घर में झगड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखे हैं और रोज इस ब्रेन में छप गए हैं, इसलिए नहीं देखने हैं। इस समय पर जो कुछ देखेंगे वो इसमें छप जाएगा तो फिर क्या होगा, ये ब्रेन उसी चीज को क्रिएट कर देगा।
मैं सोचता हूँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप, मैं सोचता हूँ मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। सोच लिया करो दिन में कई बार, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, भाग्य विधाता प्यारा बाबा मेरा सा, तो भाग्य के द्वार खुलने लग जाएंगे। चारों द्वार खुल जाए तो भाग्य दौड़ दौड़ के आएगा, और जो कुछ जो दुख देने वाला है परेशानी वाला है वो पंख लगा के बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि मेरा बाबा मेरे साथ है। बाबा के साथ जो होगा वो खुशी से रहेगा, आनंद से रहेगा, नैनों में नूर होगा उसके, नैनों में टिमटिमाता हुआ बाबा देख लो, बिंदु बाबा दोनों नैनों में। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। लॉटरी तो हमेशा अचानक लगती है, नहीं? जो चीज अचानक प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो आज तो हमारे ऐसी बीच में महान आत्मा का आना हुआ, ये किसी लॉटरी से कम नहीं। तो प्यारे बाबा का, हमारे आदरणीय भाई जी का लाखों बार धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जिसने स्वामानों की माला पहनी हुई हो उसको क्या माला पहनाऊं? ये माला थोड़ी सी आपके लिए भी लाया हूं। हाँ, बाहर से सबको देते हुए जाएं, इधर से देंगे, आप देंगे सबको? सब दे सकते हैं, मेरे ख्याल पता नहीं कम होंगी ना थोड़ी। कम है क्या? नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था। अच्छा, परिवार में से एक ले लेंगे तो सबको आ जाएगा। एक ले लेंगे, एक परिवार में से, एक परिवार में फोटोकॉपी पर रखना अपनी अपनी, तो तब यह बात बनती है। अपने पैसे अपने पास रखते हो ना? तो ये भी अपना बैंक अकाउंट अपना रखते हो ना? ये भी अपना रखना, ये मेरा है। बेड पे सुबह शाम याद कर लेना। अभी मैं सुबह आया था एक जगह, तो वहाँ अच्छे से क्लास के, तीन दिन में याद हो जाते हैं, तीन तीन करके, चार चार करके। जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उससे होगा जो याद कर लेंगे, याद करके फिर वैसे नेक्स्ट वो पार्ट टू है मेरा कि कैसे करना है इसको। फिर हर घंटे में दो बार फिरा दो, दो माला, 16 घंटे होते हैं, 32 बार आपके हो जाएंगे, 32x25 हो जाएंगे, हैं? और दो दो बार करेंगे तो आपकी एक लय बनेगी, फिर उसके आगे की बात है। क्योंकि हमें तो संपूर्ण पावन बनना है, संपूर्ण विजय बनना है, संपूर्ण शक्तिशाली बनना है ना। पाप विनाशक स्थिति लेके आनी है, महान योगी अवस्था बनानी, तो वो आगे की स्थिति है। फिर अगर हुआ क्यों, फिर क्यों मिलेंगे? नहीं, जरूर होगा। और ये तो मैं समझती हूँ आधी क्लास है। कितने हैं इस क्लास में जो सुबह वाले जो आज आए हैं, कितने है? अच्छा, ठीक है, फिर भी बहुत कम है भाई साहब। इतनी इससे ज्यादा क्लास सुबह में है, रात को भी आते हैं, तो आपको तो फिर आना होगा।
तभी तो सुबह वालों को भी रात वालों को भी आज तक बाबा की किसी सेवा के लिए कभी मना नहीं किया। जिसको मैं पहले हाँ जी कह देता हूँ उसको बस ना जी नहीं कहता। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं समझ सकती हूँ कि आप एक एक के भरे हुए नैन और आपका उन्नत ललाट हर्षित मुख इस बात का परिचायक है कि आज हम एक एक को कितना लाभ मिला। तो हम तो जरूर चाहेंगे कि अगर 20 दिन भैया दिल्ली रहते हैं और 10 दिन यहाँ रहते हैं तो उस 10 दिन में से तो जोरदार तालियों के साथ हमारे भैया का दिल से धन्यवाद करें। आपकी वाणी में जो मधुरता थी, आपकी वाणी में जो भगवान के प्रति प्यार का, बाबा से लिए हुए शक्तियों और प्यार की झलक हम सबको फील होती थी, तो यही हमको प्रेरित कर रही है कि हमें तो आपसे बहुत लाभ लेना है। तो जरूर ऐसी सभा जल्दी जल्दी लगेगी और हमारे भाई जब जब 10 दिन यहाँ आएंगे तो हम उसका लाभ जरूर ले लेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जब हम जाते हैं ना सुबह, अब कल से मुरली सुन के जाने, एक दूसरे को जैसे गुड मॉर्निंग करते हैं, ओम शांति करते हैं, सुमान एक्सचेंज करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, दूसरा मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, दूसरा वाला मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। एक्सचेंज करके जाना है। देखो 100 के 200 के मैं क्या करता हूँ, रात को 2:30 बजे भी उठता हूँ, मुझे सोमान कोई अलग से भी याद आ जाती है, कोई मुरली में भी आ जाती, कभी मन में योग में बैठे आ जाए, वो मैं बना के और डाल देता हूँ स्टेटस में, 8-10 लिख देता हूँ, और वो 700-800 लोग रोज पढ़ लेते हैं, वो 700 आगे फैला देते हैं उन सोमानों को, वो 10 जगह फैल गए, 7,000 फैल गए, 7,000 से वो कहाँ कहाँ, विदेश में भी कोई कोई पढ़ते हैं उसको, और वो फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। तो ये एक दिन काम तो हो ही जाएगा। चलिए संकल्प करते हैं हम। मैं परम धाम निवासी हूँ, बाबा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, पूर्ण ईश्वरीय शक्तियां मेरे साथ हैं, बहुत दिल से प्यार से स्वीकार कर लेते हैं, बाबा मेरा है और बाबा का सब कुछ मेरा है। मैं मास्टर बीज रूप हूँ, बीज रूप बाबा से जुड़ी हूँ, बाबा से सुख शांति प्रेम की किरणें आ रही हैं और संपूर्ण सृष्टि रूपी वृक्ष को फैल रही है। Thank you.
बहुत ताकत है इस संकल्प में, इस सुमान में। मैं मास्टर बीज रूप हूँ, बीज रूप आवाज से जुड़ी हुई हूँ मैं आत्मा। संपूर्ण कल्प वृक्ष बीज रूप बाबा से निकला है, मैं आत्मा जड़ भी तपस्वी मूर्त बनकर बैठी हूं। दिल से बाबा का आभार प्रकट करेंगे, बाबा को शुक्रिया कर देंगे दिल से। बाबा मेरा सब कुछ आपका है, संपूर्ण समर्पित भाव। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। सुख शांति प्रेम संपूर्ण संपन्नता है मेरे पास। खुशियों से भरा सागर मिला हुआ है मुझे। वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। ऐसा बाबा सबको मिल जाए। ओम शांति।